बारिश ने कहर बरपाया है। सभी जिलों का बिगड़ा है हाल, जिसमें हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों की फसलों को हुआ है। प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी से भी काफी ऐसी खबरें आई है जिसमें किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि 33% से ज्यादा फसलें खराब हो चुकी हैं, जिससे अब किसानों को मुआवजा मिलेगा। गेहूं और सरसों और आम की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जिलाधिकारी ने खराब हुई फसलों का आंकलन शुरू किया। यूपी के कई हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है। एक तरफ किसानों की बदहाली पहले से ही जारी थी और दूसरी तरफ ओलावृष्टि और बारिश ने सभी जिलों का हाल बिगाड़ दिया। एक तरफ किसान पहले से ही परेशान थे और दूसरी तरफ बारिश ने उनकी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। फिलहाल रुक करेंगे उनका, लेकिन आपको बता दें कि किसानों की फसलें खराब हुई हैं। डीएम ने भी खराब हुई फसलों का आंकलन करना शुरू कर दिया है। यूपी के कई हिस्सों में आज फिर बारिश की संभावना बनी हुई है और ऐसे में संभावना को देखते हुए तमाम अधिकारी खुद निरीक्षण करने पहुंचे हैं। पिछले 4 दिनों से मौसम का हाल बिगड़ा हुआ है, मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं, हमारे साथ धीरेन्द्र हैं और संजीव भी जुड़ चुके हैं ललितपुर से। रुक करते हैं संदीप का। संदीप, एक तरफ बारिश का दौर जारी है, दूसरी तरफ किसान अपनी बदहाली को रो रहे हैं। संदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संदीप से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए बिल्कुल स्वाति, किसानों के ऊपर कह सकते हैं कि इस समय दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि देखिए जहां एक तरफ किसान अब कह सकते हैं कि आलू की ज्यादा पैदावार होने से परेशान चल रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से देखिए तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते कह सकते हैं गेहूं है, सरसों है और आम की फसल पे बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। हालांकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करी थी, जिसके बाद राहत कार्यालय की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसानों के बीच में पहुंचे और उनकी खराब हुई फसलों का आकलन किया जाए। आकलन फिलहाल शुरू कर दिया गया और ये देखा गया है कि तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते जो 7 जिले हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, जिसमें हमीरपुर है, सोनभद्र है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है और इसके अलावा ललितपुर है। यानी यहाँ पर किसानों की फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी देखिए जो गेहूं की फसल थी जो कटने की कगार पर थी, लेकिन तेज बारिश और ओले के चलते वो पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। किसानों के घर में पानी भर गया है, जनहानि हुई है, कई उनके जो पशु हैं वो भी कहीं ना कहीं से इस बारिश के चलते उसकी चपेट में आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कह सकते हैं कि इसको पूरे को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिलाधिकारी भी लोगों को निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो इसका बड़ा खामियाजा है वो किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और किसानों का साफ तौर पर कहना यह है कि अब हम पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं और इसको लेकर सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर यह भी कहा है कि किसी भी मौके पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए और साफ तौर पर जहाँ पर किसानों की फसलें खराब हुई है, अगर उनके पशुओं का नुकसान हुआ है या फिर उनका घर गिरा है, तो वहां पर अधिकारी को तत्काल पहुंचकर। संदीप, आपके पास वापस लौटेंगे। प्रयागराज से धीरेन्द्र भी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, प्रयागराज की क्या स्थिति है? किसान तो पहले से ही अपनी बदहाली पर रो रहे थे, दूसरा बारिश ने भी उनकी फसलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया है। किस तरीके से आकलन कर रहे हैं अधिकारी? जी बिल्कुल, संगम नगरी प्रयागराज में भी जो मौसम का कहर है वो किसानों पर पड़ा है। लगातार जो जिस तरीके से मौसम खराब चल रहा है पिछले 3 दिनों से, आज भी मौसम खराब है और बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है। सबसे जो खास असर पड़ा है यमुना पहाड़ी इलाके के कोराऊ इलाके पे, जहां पर ताबक तो बड़ी तादाद में ओलावृष्टि हुई है। जो किसान की फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, खास करके जो फसल थी गेहूं की, सरसों की या चने की जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। किसान केवल फसलों के ही सहारे अपने जीवोपार्जन की पूरी प्लानिंग करके रखता है, लेकिन जिस तरीके से अब ओलावृष्टि से उनकी जो गाढ़ी कमाई थी वो खराब हो गई। हालांकि इस पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दिया है। सारे डीएम और डीएम तहसीलों को, जो तहसीलदार हैं, जो एसडीएम हैं, साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों को जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसके आकलन का आदेश दिया है। अब वो आकलन का कार्य शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे। संजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ललितपुर से रुक करेंगे संजीव का। संजीव, वहां पर क्या स्थिति है?
स्वाति जी आपको बता दूं कि ललितपुर में जिस तरह से कुदरत के कहर ने उनकी मेहनत और अरमानों पर पानी फेर दिया है, तो वहीं ओलावृष्टि ने उनकी फसल और उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। फसल का नुकसान और उम्मीदें टूटती देख अब किसानों की आंखों में आंसू आने लगे हैं। वहीं अगर प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन ने ओनली 4 गांव ही प्रभावित माने हैं, जबकि दर्जनों गांव, करीब 17 गांव पूर्व में ओलावृष्टि से प्रभावित हुए थे और कल शाम को भी जखोरा क्षेत्र के करीब 40 गांव में ओलावृष्टि हुई है। यहां पर करीब 70-80% नुकसान हुआ है, लेकिन जो तहसीलदार से जिस तरह से जिलाधिकारी ने तहसीलदारों को रिपोर्ट देने के लिए कहा था, तो उन्होंने 4 गांव को ही रखा है, कारी टोरन, देवरान, बस्त्रावन और बार ब्लॉक के गांव। बहुत शुक्रिया आप और तीनों का ही जानकारी देने के लिए। दर्जनों गांव प्रभावित है लेकिन जिला प्रशासन ठीक से आकलन नहीं कर पा रहा है और सिर्फ 4 गांव को ही प्रभावित माना गया। और दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।